हेलो स्टूडेंट, सो एज यू नो वी आर इन मेंसुरेशन लेसन एंड हम प्रॉब्लम सेट में हैं। यस्टरडे हमने एमसीक्यूज पूरा कंप्लीट कर लिया था। लेट्स स्टार्ट विद द फर्दर क्वेश्चंस नाउ। एज इट इज गिवन देर इज अ वॉशिंग टब इन द शेप ऑफ फ्रस्टम। ओके, टब है कौन से शेप में? फ्रस्टम के शेप में। ऑफ अ कोन हैज हाइट 21 सेंटीमीटर, रेडियाई ऊपर का रेडियाई जो है 20 सेंटीमीटर है, नीचे का 15 है। वॉट इज द कैपेसिटी ऑफ द टब? टब की क्या कैपेसिटी हमें बतानी है। सो द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर टॉप एंड बॉटम आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपको दिया है। सो देयरफॉर हम बोलेंगे आर वन इक्वल 20 सेंटीमीटर एंड आर टू इक्वल 15 सेंटीमीटर। हाइट h is equal to 21 centimeter. So therefore capacity of the tub formula kya hai is equal to 1 by 3 pi h into r1 square plus r2 square plus r1 into r2. This is the formula of Frustum. ठीक है, so it's equal to 1 upon 3 into 22 upon 7 into 21 into r1 square, that is 20 square, plus r2 square is 15 square, plus 20 into 15. ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। अब पहले कट कर लो, 3 7s are 21, 7 7 कट, आपके पास बचता है 20, into 20 का स्क्वायर है 400, प्लस 15 का स्क्वायर है 225, प्लस 20 into 15, 15 2s are 30, सॉरी 500 5210 100 1202 आपको मिलता है 300। तो ये होता है 300। अब सबको प्लस कर दीजिए, 20 इंटू 400 प्लस 225 प्लस 5 आ गया, 0 प्लस 2 2 प्लस 0 2 4 5 6 7 8 9 आपको मिलता है 925 इंटू 20। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 5 ज़ा 10 2 4 5 2 9 ज़ा 18 और इसका 0 ऐड कर दीजिए, सॉरी 22 है ना गाइस, तो 925 को 22 से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 5 हाँ 2 9 ज़ा 18 अगेन 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 5 2 9 ज़ा 18 0 5 13 10 2 2 0 3 5 0 क्या मिलता है? 2 0 3 5 0 क्या है? ये कैपेसिटी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। ठीक है, अब बकेट का पानी जो है वो लीटर्स में होता है, उसको कन्वर्ट करना है लीटर्स में। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड होगा, तो इट विल बिकम 20.35 लीटर्स। ठीक है, यहाँ रीजन में आएगा, सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो आंसर में आप लिखोगे capacity of the tub is equal to 20.35 liters. So this was your question number 2. Clear? अब question number 3 में चलते हैं। Now in second, third question ये important है, इसको mark कर लेना। क्या बोला है? Some plastic balls of radius 1 centimeter were melted and cast into tube. कुछ प्लास्टिक बॉल्स से उनको मेल्ट करके एक ट्यूब के फॉर्म में कास्ट किया गया है, 1 सेंटीमीटर था उसका रेडियस। द थिकनेस लेंथ एंड आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब वेर 2 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी बॉल्स वेर मेल्टेड टू मेक द ट्यूब? तो वो ट्यूब जो बना है एक बॉल से नहीं बना है, कितने बॉल लगे रहेंगे वो ट्यूब बनाने को बताना है। तो आपके पास पहले एक प्लास्टिक बॉल था, ठीक है, उसका जो रेडियस है वो क्या है? 1 है, ये बॉल है। ठीक है, इसको मेल्ट करके, ऐसे बहुत सारे बॉल को मेल्ट करके एक ट्यूब बनाया गया, एक ट्यूब बनाया गया। अब वो ट्यूब जब बना, उसका जो रेडियस है, हाँ रेडियस देन थिकनेस लेंथ एंड आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब वेयर 2 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर।
आउटर रेडियस, ठीक है. सो 2 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर एंड दिस इज 90 सेंटीमीटर. इस तरीके से आपका फिगर बनेगा. तो ये थिकनेस, तो लाइक दिस योर फिगर इज. तो अब हम ट्यूब और फिर प्लास्टिक बॉल का निकालेंगे. स्टार्ट करते हैं. सो फॉर ट्यूब रेडियस जो हम लेंगे दैट विल बी आर वन इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. थिकनेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस जो है आर टू. तो ये क्या बनेगा, आर वन माइनस थिकनेस बनेगा. ठीक है, थिकनेस था ना तो उसे माइनस करोगे तो आर वन माइनस 30 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. लेंथ वो होता है हाइट, उसको लेंगे वो जो दिया है वो है 90 सेंटीमीटर. फॉर प्लास्टिक बॉल स्पेयर भी लिख सकते हैं, रेडियस जो है आर इस 1 सेंटीमीटर. इतना क्लियर. सो नंबर ऑफ बॉल्स दैट वेर वेल्टेड टू मेक द ट्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक इन द ट्यूब एंड या वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब भी लिख सकते हो यार, एंड वॉल्यूम ऑफ ईच प्लास्टिक बॉल. ठीक है, सो इट्स इक्वल टू पाई इंटू आर वन स्क्वेयर माइनस आर टू स्क्वेयर इंटू हाइट अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर. अब सब्स्टिट्यूट करिए. अब यहाँ पाई और पाई कट हो गया. ठीक है, आपके पास बचता है आर वन स्क्वायर दैट इज 30 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 4/3 इंटू 1 क्यूब. 1 का क्यूब 1 ही होता है, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो वही होगा. तो आपके पास क्या मिलेगा, अभी ये हो गया 900 माइनस 28 का स्क्वायर होता है 784 इंटू 90. ये 3 ऊपर गया और नीचे खाली 4 रह गया. अब 900 से 784 को माइनस करिए, कट 10 6 116 मिलता है इंटू 90 इंटू 3 अपॉन 4. अब 4 से डिवाइड करो, 4 2 8, ठीक है, 4 9 36, यू आर गेटिंग 29 इंटू 90 इंटू 3. अब पहले 29 से 9 मल्टीप्लाई करिए, 9 9 81, 9 2 18, 18 + 8 = 26 इंटू 3 3 1 3 3 6 18, 36 7. अब इसके आगे क्या था, 0 था, तो इसका 0 ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिलता है 7830. तो कितने बॉल्स 1 सेंटीमीटर के लगने वाले हैं, 7830 बॉल्स टू मेक द ट्यूब. आंसर लिखोगे 7830 प्लास्टिक balls were melted to make the tube. Clear? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, मेटल पैरेललेपिपेड है. ठीक है, उसका मेजर 16 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. इनको मेल्ट किया टू मेक अ कॉइन्स, क्या बनाने के लिए, कॉइन बनाने के लिए. सो उतने साइज के इससे कितने कॉइन्स बने, और कॉइन का थिकनेस क्या दिया है, एंड डायमीटर 2 मिलीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो जो भी है हम पहले लिखेंगे, लेंथ ऑफ मेटल पैरेललेपिपेड पाइप दैट इज एल इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ B is equal to 11 centimeter, height H is equal to 10 centimeter. The diameter
of coin is equal to 2 centimeter. तो डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस क्या होगा? देयरफॉर इट्स रेडियस आर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. क्लियर इतना? अब इट्स थिकनेस, यहाँ आपको थिकनेस में यूनिट अलग दिया है, दैट इज हाइट 1 इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर. इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, डिवाइड बाय 10 करेंगे. ठीक है, इसको ऐसे ही रखेंगे. ठीक है, नाउ आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, अगर ऐसा भी रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो. नाउ नंबर्स ऑफ कॉइन मेड्स किसको इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ मेटल पैलापॉइड. सो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स दैट वेयर मेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल पैलापॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन, वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैलापॉइड? ये क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट है अपॉन कॉइन स्क्वायर शेप में होता है, सॉरी सिलेंडर शेप में होता है. तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच वन. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर. अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये है 16 इंटू 11 इंटू 10 एंड अपॉन पाई इज 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर 1 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 10. इतना पार्ट क्लियर. अब जो भी नीचे है ना वो ऊपर चला जाएगा. इसको ऐसा लिख दीजिए 16 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू 2. 1 इंटू 1 इज वही रहता है, आपको पता है. 2 8 ज़ा 16, 11 2 ज़ा 22, 2 5 ज़ा 10. आपको मिलता है 8 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 10. क्लियर, मल्टीप्लाई करिए. 8 5 ज़ा 40 इंटू 7 इंटू 10. 47 ज़ा इज 280 इंटू 10 इट्स इक्वल टू 2800. तो कितने कॉइन्स लगे बने हैं? 2800. आंसर में लिखोगे 2800 कॉइन्स can be made of the given metal parallelepiped. Clear? So ये आपका question number 4th हो गया. चलते हैं question number 5th की तरफ. Now 5th question में आपको the diameter and length of a roller दिया गया है, 120 centimeter and 84 centimeter. टू लेवल द ग्राउंड, ग्राउंड को लेवल करने के लिए आपको 200 रोटेशंस करने पड़ेंगे रोलर के. तो आपको बताना कि कितना खर्चा होगा लेवल करने के लिए ग्राउंड को, अगर उसका एक स्क्वायर मीटर कितना है? रुपीज़ 10 पर स्क्वायर मीटर है. ठीक है, द डायमीटर ऑफ द रोलर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, देयरफॉर इट्स रेडियस R is equal to 120 divided by 2, it's equal to 60 centimeter. 2, 6, 12, 2, 0, 0. Okay. Its length H equal 84 centimeter. So, curve surface area of the roller is equal to 2 pi R H. 2 into 22 upon 7 into 60 into h is 84. 7 12 है, सबको मल्टीप्लाई करिए. ये होता है 44 into 60 into 12. 6 4 है 24 25 26. ऐसे नहीं मल्टीप्लाई है. एंड 0 into 12. अब 2640 को 12 से मल्टीप्लाई करिए. 200 24 जाए 26 जाए 12 24 5 0 4 6 2 0 8 6 11 3. आपको मिलता है 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना पार्ट क्लियर. अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आपको स्क्वायर मीटर बताना है. सो इट्स इक्वल टू 31680 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर. क्यों? 1 मीटर स्क्वायर किसको इक्वल है? 10,000
सेंटीमीटर स्क्वायर को. सो कितना 1, 2, 3, 4 इट विल बिकम 3.168 meter square. इतना का पार्ट क्लियर. नाउ एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल इन वन रोटेशंस इज 3.168 meter square. ये एक रोटेशन में एरिया है. तो देयरफॉर एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल्ड इन 200 रोटेशंस इज इक्वल टू 200 इंटू 3.168, दैट इज इक्वल टू 2 8 16 13, 3 2 3 6, ये दो जीरोस, कितना है 1 2 3. तो आपका आंसर है 633.6 meter square. इतना पार्ट क्लियर. सो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू 633.6 into 10, दैट इज इक्वल टू ₹6,336. तो ये आपका आंसर है. आंसर में मेंशन कर दीजिए टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड इज ₹6,336. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th हो चुका है. ठीक है, फर्दर क्वेश्चंस हम कल कंटिन्यू करेंगे. प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो इन द कमेंट. अंटिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.